तो लिफ्ट में जब चढ़ती थी तो मेरे को देख कर कई वो कहते थे ये तो फरिश्ते आया, फरिश्ते आया, आकर्षण हो जाता था। और फरिश्ते सफेद साड़ी पड़ी है, फरिश्ते आए हैं, तो बाबा को याद करते करते चलती थी, भाई बाबा मेरे को पहुंचाओ। तो एयरपोर्ट पर भी बाबा साथ में है, उसको भूलने की। अभी देखो हम कहते हैं ना बाबा को याद करो, भूलो नहीं, चलते, लेकिन मैं कहती मेरे से बाबा कभी भूलता नहीं है, नहीं भूलता है। मेरी प्रकृति भल चल रही है, कर्म करती रहती हूँ, खाती पीती हूँ, लेकिन बाबा जो बोला है अभ्यास, खाते पीते बाबा को याद करो। भले कोई बात करता भी रहता है, मैं बुद्धि नहीं गाती, जैसे सुना न सुना बात करते हैं, खाने पर बैठेंगे तो कोई भी करेगा, मैं नहीं जवाब देंगी, क्योंकि बाबा कह दिया था। तो जिस समय मेरे पास कोई आवे, याद दिलाना बच्ची, बाबा भूल तो नहीं गए, बाबा याद है। तो कोई काम वाले भी आते थे ना, तो भी उसको बोलते बाबा याद है, बाबा याद है। जब ऐसे तो आपने बताया कि आपके पास आया रहती थी, इन सारे नौकर आदि भी होते थे, परंतु ऐसे भी एक दिन आया कि यज्ञ में खाने को नहीं था, तो ऐसी बेगरी पार्ट जिसको हमने सुना है, टाइटल दिया गया है, हाँ, तो मेरे को फीलिंग नहीं आई, मेरे को तो और ही अच्छा लगा। देखो मैं गई थी जमुना घाट पर, जमुना घाट पर मैं थी, मनोहर थी, मनोहर के, मनोहर पर अपने सिस्टर के पास गई, और गौरी शंकर का मंदिर जो है वहाँ जाके सेवा करते थे। तो मैं जमुना घाट में जिस दिन पहुंची, तो अबू से 1 किलो 2 पैसे का टमाटर लिया था, वो हम लेके गए। वहाँ गई तो वो लोग तो वहाँ गए, खाना पीना वहाँ मिलेगा, अनाज बना के खाते थे, सेवा करते थे सब मंदिर में। मैं उसी दिन वहाँ रही जमुना घाट में अकेली, कुछ डर की बात नहीं। तो मैं साधुओं की चूल्हा जलता रहता है ना लकड़ी, एक आटा जरा रखा था, उसमें नमक पड़ा था। मैंने क्या किया, आटा ऐसा लेके ऐसा ऐसा करके बना के और उसमें पका लिया दुई पर, इतनी रोटी। और मैं खाना तो खाती नहीं थी, इतना ही खाती थी जो बाबा ने बोला, एक गिट्टी मामा तुम खिलाओ मैं खिलाऊं, तो इसका पेट भरा। इतने तक खाना मेरे को बाबा ने यहाँ सिखाया, खाना मैं खाती नहीं थी। तो ऐसा मैं बना, एक टमाटर डाला कटोरी में, वो वहां पर रख दिया, उसका पानी निकल आया, वो बैठ के खाया, इतना मीठा। तो वो मैं अपने लोक की माँ को लिख दिया पुणे में, आज मैं देखो वो राजाई जो थी वो भी मेरी देखी, आज मैं अपना अनुभव देखी, तो ये जो है इतना मीठा, उनको इतनी खुशी हुई, कहा देखो मेरी लड़की जिसको मैं राजाई में भेज दिया वो मैं राजाई देखी। उसने कहा देखो ये और ही अच्छा मीठा, तुमको दुख तो नहीं हुआ ना, ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी। तो उसमें बहुत खुश हो गई वो, और मैं आज तक भी बोलती हूँ कितना भी खाना मैं खाया है, ये खाना मेरे को अब तक भी याद है कितना मीठा था, क्योंकि उसमें रचना भरी हुई थी बाबा के ताकत की, बाबा ताकत दे दिया और चीज आटा बना के दे दिया, ये खाओ बेटी। तो मैं कहते हैं ना भरी और भाकुर में एक ही समान रहे, ये बाबा ने सिखाया।